सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माई लाइफ। सो गाइज, शाम के बज चुके हैं 6 और मैं अभी अभी अपनी जॉब से वापस आया हूँ। गाइज, आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ अपनी कजन सिस्टर से मिलने, बिकॉज फ्यू डेज पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थी बिकॉज उनकी डिलीवरी थी एंड शी गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय। सो यार, मैं बेबी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अपनी कजन सिस्टर से मिलने के लिए भी एक्साइटेड हूँ। सो आज मैं उनके घर जा रहा हूँ, उन्हें सरप्राइज करूंगा और हम केक कटिंग भी करेंगे बेबी के वेलकम के लिए। सो बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ। सो लेट्स गो। सो गाइज, हे इज माई बॉय बिनी, से हाई टू एवरीवन। हेलो बोलो। यार कितना क्यूट है ना, आज ये नहाया धोया पूरा और पूरा आज फ्लफी सा हो रखा है बिकॉज आज जिसने बाथ लिए काफ़ी देर के बाद हैं। से हाय, से हाय, हेलो कर दे सभी को, हेलो कर दे, हेलो हेलो। कितना क्यूट ना यार ये, देखो। ओ क्या हाल है। तो यार करण की कल फ्लाइट है, कल है फ्लाइट है, परसों है। तो यार ये परसों मेरा भाई जो कनाडा जा रहा है और यार तेरे को बहुत मिस करूँगा, वैसे यहाँ पर तो मिस किया नहीं कभी। तो मैं यार नेहा दीदी के घर जा रहा हूँ, जाना तूने किधर, को काम है कोई? काम जा रहा हूं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो वो डॉलर का जो हुआ था, वो डॉलर कब दोगे? चलो ठीक है, ओके टेक केयर, ओके बाय। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ। मैं बैठ चुका हूँ और गाड़ी स्टार्ट। And that's my boy. Bye. So let's go. ਅਕਾਚ ਸਨ ਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਸਤੌਲ ਵਾਂਗੂ ਗੱਭਰੂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਗੱਭਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਹਮ ਕੇਕ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਂਗੇ। उसे पता नहीं है कि मैं आज आने वाला हूँ, देखते उसका रिएक्शन क्या होता है। सो गाइस, बेकरी आ चुकी है, अभी हम जा रहे हैं। सो ऐसी है कुछ बेकरी। तो यार ये है कुछ केक, इसमें से समझ नहीं आ रहा कौन सा सेलेक्ट करूं, बहुत सारे हैं यार, कौन सा सेलेक्ट करूं। सो फाइनल गाइस, केक ले लिया और अभी हम जा रहे हैं, बस लेट ना हो जाऊँ कहीं, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। गाइस फाइनली मैंने केक ले लिया है और बहुत अच्छा सा केक मैंने पैक करवाया था, क्योंकि यार ऑप्शंस बहुत सारे थे, केक जो थे वो एक दूसरे से ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे दिखने में, तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो मेरे को एक ही सबसे बेस्ट लगा, तो वो मैंने जो वो था वो मैंने पैक करवा लिया। और देखो बच्चे झूले ले रहे हैं सामने, कितना अच्छा नज़ारा है। वाओ यार, बचपन याद आ जाता है मुझे अपना, कजन्स छोटे होते थे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, अब इनको देख के यार अपना बचपन याद आता है। और यहाँ पर ट्रेन भी है छोटी सी, ये देखो। सो चलो चलते हैं। सो गाइस, यहाँ से तो गाड़ी मोड़नी ना बहुत ज़्यादा एक टास्क है यार, मतलब लुधियाना में इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है ना यार, मतलब यहाँ से ना गाड़ी भी मोड़ नहीं सकते हम ढंग से, पीछे से पीछे गाड़ियाँ लगी होती हैं पूरी। ओ
ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪੋਰਚਾਂ ਚ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੱਟਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਬਿੱਲੋ ਥਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं, बाहर निकलने वाला हूं। केक निकाल रहा हूं। सो दिस इज द केक और अभी देखता हूं क्या सरप्राइज रिएक्शन है। अभी मैं डोर पे खड़ा हूं यार। हेलो हाय मम्मी मम्मी परिपन्ना जी हाउ आर यू। वाओ व्हाट अ डेकोरेशन, वेलकम होम न्यू बेबी। वाओ काफी अच्छी डेकोरेशन है मम्मी जी। हेलो हेलो वेयर इज हेलो द कैसे देख रहा है यार ये, है ना? उधर देखो उधर। हेलो यार इसके ऊपर बैठने से बच गया मैं। होने वेलकम। हेलो नने, इसका क्या नाम है? दिवित। दिवित, हेलो दिवित। दिवित यार कैसे इसने मोटल। दिवित कितना क्यूट है यार, वाओ। हेलो, इसने देखा ही नहीं। हाय, कैसे हो? बढ़िया। ठीक हो? कितना क्यूट है यार ये। मासी नहीं है। आपका क्या हाल है? हेलो यार, बहुत ज्यादा क्यूट है यार ये तो। और मम्मी जी ठीक हैं आप? बढ़िया। आप तो बहुत खिले खिले लग रहे हैं। हाँ, न्यू मेंबर जो घर पे आ गया है। नानी बनी। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन नाना। नाना जी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। आपका फेस ना पता किसके ऊपर है, थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर भी है और थोड़ा थोड़ा जीजू। नहीं, आपको किस पर लगता है इसका फेस ज्यादा? नहीं तुम्हारे, हाँ इसके ऊपर भी है यार। सब पे ही है, सब पे ही है। हाँ श्वेता तुम्हारे ऊपर भी है इसका फेस तो, है ना? He's a mashi. Yeah. यार बहुत ज्यादा क्यूट है यार, बहुत मुझे खुशी भी हुई, बहुत इसे मिलने के लिए एक्साइटेड था मैं। आंखें देखो कैसे कर रहा है ये, और इसका ये छोटे छोटे सी लिपी, ये छोटे छोटे सी लिपी इसकी। तो यार अभी हम जीजू से मिलने जा रहे हैं और जीजू हमारे अंदर बैठे हैं। जीजू कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या हाल है आपके? ठीक हो? बस बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। कैसे लग रहा है आपको, नया मेहमान घर में आया है? ऑब्वियसली भाई फादर को खुशी बहुत होती है ना। चलो विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग अच्छा होगा, सब कुछ ठीक है, है ना? बाकी मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई है। एक्चुअली मैंने उस दिन भी मिलना था बट आप, मैं हॉस्पिटल में आया था बट ना आप थे नहीं उस टाइम, तो मैं बाहर होगा मेडिसिंस वगैरह लेने। हां आप शायद थे नहीं, तो फिर मैं उस टाइम में दीदी को मिलकर चला गया था। तो मैंने सोचा अभी मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं फिर आऊँगा घर, तो आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा बेबी को देखने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सो जीजू केक काटना आज हमने बेबी का, ठीक है? ओके, एंड दिस इज द केक फॉर आवर स्मॉल लिटल दिवित। अब हम सेलिब्रेट करने वाले हैं दिवित का वेलकम केक। कट 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 यार मैं क्या करूं। सो रीटेक वंस अगेन, अभी हम दिवित का केक काटने वाले हैं, वेलकम करने वाले हैं, एंड दिस इज अ केक ऑफ दिवित। देखो वो घूर रहा है केक को, है कौन सा केक है ये, है घूर रहा है। चलो अब केक कटिंग ऑल है, इसने पहले ही बुझा दिया। ये वो देख ही नहीं रहा केक की तरफ। ये वो देख रहा है केक को अभी, अभी किसी और देख रहा है वो। हाँ अब इसने, अब इसका थोड़ा एंगल सही हुआ। रोने लगा रोने लगा रोने लगा, बच गया। इसको भी नींद आ रही है ये ना।
और इसको यार काफी भूख लग रही है, लगता है मुंह खोल रहा है बार बार केक खाने के लिए, काफी एक्साइटेड है। मिल्क पे ही अभी खाना, यस थोड़ा टेस्ट भी नहीं करवा सकते। हाँ सो नहीं मदर को डाइट उनके ऊपर डिपेंड करती है। मॉम तो वैसे बहुत ज्यादा थोड़े से फूडी हैं, बट उनको चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, फिर हम एंजॉय करेंगे पूरा पूरा। नानी जी की बारी, खा लेंगे क्यों नहीं। नानी जी एक्चुअली वेजिटेरियन है प्योर, ये श्वेता भी टेस्ट करें। मासी जी पापा सेल्फ भैया को बुलाओ, मनी भैया को, मेरे को भूल गए यार, कोई बुला। ये मासी जी देखो, बेबी की मासी जी खुद ही, थैंक यू। अभी श्वेता जो है केक डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है सभी को। ये बराबर बराबर डालना रे, है ठीक है ना, तेनो सब तो काट दवांगे, टेंशन ना। कोई बात नहीं, मेरे को कम देना, पर खुद तू ज्यादा मत खाना, ठीक है हिस्सा। पूरा बराबर बटना चाहिए सभी का, जेड़ा बच जाएगा मैं ही खाऊंगी। तो गाइस यार बचा कुचा जो भी ना, एंड में सबसे पहले अपना कोटा निकाल लेती है, जो भी कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है ना। रो रहा है इरिटेट हो रहा है। यस इसको गर्मी तो नहीं लग रही है, इसके बाल कितने ना वो है, सुंदर से हैं बाल, है ना इसके, घने हैं काफी, है ना, घनी काली जुल्फ़ें, घनी काली जुल्फ़ें। प्लीज पेट ना, है ना, कहाँ देख रहा है। हेलो इजी, ये अब देखा इसने कैमरे में, देख रहा है अभी ना, ये कैमरे की तरफ देख रहा है, वो देखो कितना क्यूट है यार। तो हेलो सभी देख रहे हैं तेरे को वीडियो में, वो देख, सभी को बोल दे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, है भाई कर देना आप चैनल सब्सक्राइब, ठीक है। वो भी बोल रहा है, वो देखो आंखों आंखों से बोल रहा है, इशारे कर रहा है। नहीं पॉजिटिव आपने कर दी थी, अभी कैसे सो सोने का मन कर रहा है, अभी सोने का मन कर रहा है ना, ज्यादा इरिटेट हो रहा है। ओ मेरी गोली, आ देखो आ देखो, ओए आ देखो गुड्डू, देखो यार कितना सुंदर है। दिस इज दिवित एंड मॉम पापा, मॉम डैड, कितनी अच्छी सीनरी है। सो यार ऐसा था कुछ आज का व्लॉग, तो बेबी बहुत ज्यादा क्यूट था यार, उसे मैं मिला और काफी उसे प्यार भी किया और सिस्टर से मिला और बेबी का वेलकम केक भी काटा हमने। तो यार ये मोमेंट बहुत ज्यादा ना, एक जिंदगी की खास मोमेंट्स होती हैं, तो हमें ये मोमेंट बहुत संभाल कर रखनी चाहिए, इसे इंजॉय करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपना ख्याल रखो, हर छोटी छोटी खुशियों को भी यार इंजॉय करो, ठीक है, बिकॉज छोटी छोटी खुशियां बहुत ज्यादा मैटर करती है यार आजकल के टाइम में। मिलता हूँ अगली बार एक और नई वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, टिल देन डॉक्टर एडर डिसाइड साइनिंग ऑफ, बाय।